the action. Hey guys, what's up? It's Guri Verma. It's Sanjana from Foodaholic. तो कैसे हैं आप लोग? Hope you guys are doing well in this corona time. Stay home, stay safe. तो संजना, हाँ, कैसे हो आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ. आज की हम नवी वीडियो लेके आ गए, क्योंकि आज है थर्सडे. तो नेक्स्ट वीडियो लानी तो बनती ही थी. फूडोहोलिक पे आ चुकी है अब नई वीडियो, आप देख के आनंद उठाइए. और आज की वीडियो होने वाली है बर्गर के ऊपर होने वाली है. हम करनाल के कई जगह के बर्गर मंगाने वाले हैं और उनका करने वाले हैं कंपैरिजन. स्पेलिंग सुनाओ, लिख के दे दूँ कमेंट में. जुड़ बोल रही है. तो फिर क्या रहने वाला है इसमें, हम बताएंगे कि हर एक बर्गर में हम मतलब सेम रेंज के बर्गर मंगाने वाले हैं. तो फिर उसमें बताएंगे कि आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप कौन सा बर्गर आपको अच्छा लग सकता है, तो हम उसके बारे में बताएंगे. चलिए अब शुरू करते हैं. तो फ्रेंड्स, अब हमने करनाल के पांच जगह के अलग अलग जगह के बर्गर्स ऑर्डर कर दिए हैं, सेम रेंज के बर्गर मंगवाए हैं. अब हमारे बर्गर धीरे धीरे ऑन दी वे हैं. अब हम देखेंगे कि किस किस टाइम हमें वो रिसीव होंगे, तो उसके बाद हम दिखाते हैं. 2000 years later. पीछे तो देखो. किधर किधर किधर? उधर देखो. Bring the action. Guys, अब हमारे पांचों ऑर्डर हमारे पास आ चुके हैं. 1, 2, 3, 4, 5 पांच बर्गर्स. और ये बिल्कुल बेसिक बर्गर्स हैं, जो वेज बर्गर्स होते हैं स्टार्टिंग वाले. तो हमने सबके वही ऑर्डर किए हैं ताकि हम कंपैरिजन का एक ही लेवल हो सके. तो पहले मैं इनकी जगह बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ से आए हैं. तो ये है, सबसे पहले वाला है हेल्दी हट से आया है. हेल्दी हट मुगल कनाल में है. और ये कहाँ से आया है? शेफ से. ये है दयाल सिंह कॉलोनी नियर बस स्टैंड. और ये है श्री काना मुगल कनाल. और ये है फूड गैराज मॉडल टाउन. और ये है कैफे ग्रिल्स का ये भी है मॉडल टाउन में. तो इन सब के प्राइजेज रहेंगे, जो वहाँ पर अगर आप कैफ़े पे जाके, रेस्टोरेंट पे जाके अगर ऑर्डर करो तो 50-60 के बीच में रहेंगे. अभी हमने कोरोना की वजह से हमने घर पे ही ऑर्डर मंगवाए हैं, तो फिर इसकी ऑनलाइन अब डिलीवरी लग के चार्जेस इनके 80-90 के बीच में रहेंगे, सबके नियर अबाउट रहेंगे इनके. ज़्यादा नहीं जाएंगे. हाँ, 50-60 वैसे एंड 80-90 डिलीवरी के साथ. आफ्टर कंपेरिजन ऑफ प्राइजेज, अब हम इनके पहले पैकेजिंग की कंपैरिजन करेंगे कि कैसे कैसे रहने वाली है. पहले इसके साथ जो ये फूड गैराज वाला है, इसके साथ हमें एक केचप मिला है. हाँ, दो केचप किसके साथ मिले हैं? इसके साथ ये है श्री खाने वाले के साथ. हेल्दी हट वाले के साथ भी एक मिला है, इसके साथ भी दो मिले हैं. और ये दूसरी कंपनी. हाँ, और ये इसके अंदर हम देखेंगे अभी. तो हम अब एक, हाँ, अभी इसको यही पसंद आ रहा है बॉक्स देख के. अभी देखते हैं अब इसको ओपन करके कि कैसे कैसे ये रहेंगे. तो सबसे पहले कौन सा ओपन करना है? नहीं, बाद में करेंगे, पहले ये वाला कर ले. शेफ वाला जिसका दो फोर्स आई. चल फिर कर ले. आओ भाई, माइक इधर करो. तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे टेस्ट करने वाला हूँ. संजना को नहीं देंगे हम. वेजेस तो अच्छी डाली हुई हैं, लेकिन इसमें ये आलू टिक्की नहीं था. हाँ, ये आलू टिक्की है. तो टिक्की है, दिख नहीं रही हुई है वो सॉसेज. हाँ, दिखाना दूसरी साइड वाला करके दे. हाँ, मतलब क्रीम भी अच्छी डाली कर रखा ना इसका बन. हाँ, मतलब फ्राइड नहीं है. और वेजेस अच्छी डाली हुई है, खुशबू भी अच्छी आ रही है उसकी. एंड चल फिर अब टेस्ट करके देख. बन भी अच्छे वाला है. बिना सॉस के मैं खा लेता हूँ, तुझे पता ही है. हाँ, मेरा नेचर. ऐसा लग रहा है. थोड़ी कम ही लग रही है इस चीज की. ये मुझे लग रहा है अच्छे से ग्रिल नहीं है. हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है थोड़ा कुछ करा ही नहीं है इस पे. अच्छा लग रहा है ना.
मतलब इसके अंदर वाली स्टफिंग अच्छी है, लेकिन बाहर वाला ये लग रहा है थोड़ा कच्चा, और ऐसा लग रहा है ना इसको फ्राई किया ना इसको ग्रिल किया। हाँ मतलब ऐसा भी हो सकता है, पर अंदर वाला टेस्टी लगा। अब हमारे बर्गर नंबर 2 की बारी, जो का है शेफ, और ये है बस स्टैंड के पास है जगह। इसकी पैकिंग भी अच्छी है ना। हाँ सही लग रही है, अब खोल के देख। ये दोनों भाई भाई नहीं लग रहे, देख इसके पास लग। नहीं अलग है, ये तमीज से रखा हुआ है। अनिल लग नहीं रहा, भाई भाई नहीं लग रहे। चल पहले इसके अंदर वाले स्टफिंग दिखा। इसका बन मुझे हैवी लग रहा है। ये नीचे वाला भी वो लग रहा है थोड़ा मोटा। हाँ होल ठीक है, देखिए इसमें कितनी बड़ी है। हाँ इसमें दिख रही है, पर इसमें मुझे लग रहा है सॉस वेजेस कम है, और सॉस वेजेस भी। हाँ वेजेस और सॉस सिंपल डाल लिया है। आलू टिक्की बर्गर है तो फिर वो डाला हुआ है सिर्फ आलू टिक्की। वेजेस भी कम है और सॉस भी कम है, इसमें खुशबू भी कम आ रही है। इसमें बस गोभी गोभी की आ रही है शायद। चल बाइट ले, उसी वाले सॉस की ले ले। ले पहले तू ले ले, बड़ी बाइट ले रहा है ना। मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा, बढ़िया है। हाँ क्या अच्छा लगा इसमें? मतलब इसका बन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट है उससे ज़्यादा, और हैवी भी लग रहा है नीचे वाला खास कर, है ना। हाँ इसकी टिक्की भी बहुत हैवी दे रखी है उससे, और दिखने में ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा सॉस नहीं, पर अच्छा है ये भी। ट्राई कर ले, केचप लगा के खाना पड़ेगा। पर क्यों पूछ क्यों रही है फिर जब खा रही है? मुझे लगा मैंडेटरी है। है ना उससे अलग थोड़ा ठीक है, पर ये मुझे थोड़ा मीठा लगा। नहीं तुझे लगा? मुझे बढ़िया लगा। इसका बन अच्छा लग रहा है, पर मुझे स्टफिंग उसको अलग ही अच्छी लगी है। स्टफिंग इसको उसको अलग ही चाहिए। हाँ स्टफिंग उसकी अच्छी है और बन इसका अच्छा है, क्योंकि उसका बन थोड़ा रूखा रूखा लगा मिक्स था। कर लेते। हाँ इसके उसके स्टफिंग लगा देते, इसका बन लगा देते हैं। अब है बर्गर नंबर 3 की बारी। मुझे भी बोलने दे। अब है बर्गर नंबर 3 की बारी। जोश में बोल थोड़ा। अब है बर्गर नंबर थ्री की बारी। कौन सा है ये बता दे। फूड गैरेज का। अच्छा याद है कहाँ पे फूड गैरेज? मॉडल टाउन। ये गिरा ओए, ये बर्गर खिंडा हुआ है। ये गिरा हुआ ही लग रहा है। कोई अच्छी बात तो नहीं है ये, तो पता नहीं सारा गिरा हुआ है। कुछ अंदर रहा ही नहीं। कोई नया ट्रेंड तो चलो चम्मच से खाने वाला। देख ले उठा के उठेगा। सोच तो अच्छी है। पहले उठा उसको। उठ रहा है। ओए आराम से निकलेगा। हट मेरे को दे। अब संजय वर्मा द ग्रेट इसको उठाने की कोशिश करने वाली हैं, जो कि ये नहीं उठने वाला है। 2000 years later ज्यादा ही वो है यार। अच्छा इसमें ना यार ज्यादा स्टफिंग ज्यादा ये ओवर कर रखी है। तो हाँ सही में बन मुझे लग रहा है छोटा रह गया है और स्टफिंग ज्यादा कर दिया है। ये सब कुछ ये प्याज प्यूज सब बाहर आ गया है। टिक्की भी सही दिख रही है मुझे वैसे। नैपकिन भी दिया साथ में। दी नहीं दिया पता नहीं खिंडने का। अब मैं टेस्ट करते उसको। खिंड रहा है वैसे, अगर गिर जाए तो मेरी बेइज्जती मत करना। जान के दो बाइट लेके बताएगी। एक नीचे वाला जो नीचे बन के नीचे वाली वो स्लाइस है ना इसकी बहुत छोटी है बेचारी, इतना बहुत सहन नहीं कर पाई। टेस्ट मुझे सही लग रहा है, लेकिन मुझे इसका बन थोड़ा ऐसा लग रहा है बासी वाला, मतलब अजीब सा हल्का। देखिए खा ना उसको। ये तो ये पूरा वो सोगी सोगी सा हो गया है सारा निकलने के बाद। यह ऐसा लग रहा है ना जैसे वो नहीं हो गया, इन्होंने कुछ लिक्विड डाला है सॉस वाला कुछ। हाँ खा लूँ अभी के लिए, खा उसको, मैं सॉस लगा लेता हूँ। मतलब इतना बुरा भी नहीं लग रहा, बट इतना अच्छा भी नहीं लगा मुझे। ठीक है थोड़ा ऐसा लग रहा बन बस।
हल्का सा है पर टेस्ट अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं जितनी तू बेइज्जती कर रही है। सब वही मैंने सबसे पहले ये बात बोली थी, सबके अपने अपने टेस्ट और प्रेफरेंसेस है, तो हम सब चीज़ बता रहे हैं इसमें हमें क्या चीज़ अच्छा लग रहा है क्या नहीं। मेरे को इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे रूखा रूखा बर्गर पसंद नहीं है, जो मतलब जिसमें फीलिंग वगैरह कम। ये इसके लिए दिया नंबर। अब बोल फोर, फिर कहेगा मुझे बोलने नहीं देती। अब बर्गर नंबर फोर ये हेल्दी हट का बर्गर, तो ये है मुगल कनाल में। अब ये खोलेगा क्या, इसकी पैकिंग मुझे थोड़ी डिसेंट सी लग रही है, शरीफ बच्चन है तो स्कूल का। अच्छा मेरे जैसे। क्रीम भी दिख रही है इसकी, तो पहले स्टफिंग दिखा, फूड गैरेज की तो दिखाई नहीं स्टफिंग, वो देख ही रही थी। इसमें दो तरह की सॉस है, नीचे वो वाइट वाली है मेयोनेज शायद, और ऊपर ये तंदूरी सॉस है। तंदूरी है, वेजेस कम लग रही है थोड़ी, है ना, पर मतलब सही लग रहा है दिखने में तो। इतनी बड़ी बाइट, आधा बर्गर तो इसी में कर दिया इसने। सोचो कैसा लगा तुम्हें, कैसा लगा, कैसा लगा? ठीक है, अच्छा लगा। पकड़, मुझे इससे ज्यादा था मॉडल टाउन वाला का अच्छा लगा। Are you excited? संजना ये मुझे ठीक भी नहीं, मतलब बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा ही लो लगा, क्योंकि इसमें स्टफ क्रीम सही लगाई है लेकिन वेजेस नहीं है, तो सिर्फ बन और उसका ही टेस्ट है, बन आलू और क्रीम का ही टेस्ट आ रहा है, तो इसमें वेजेस भी होने चाहिए। बन जैसे ग्रिल कर करके मतलब तारे ज़्यादा फ्रेश फ्रेश खाते हैं वहीं पे तो अच्छा लगता, हाँ उस टाइम बिल्कुल करा रहा होता, पर अब इतना अच्छा नहीं। तो ये बर्गर हमारा सबसे पहले आया था जब, क्योंकि स्लैस हो गया फिर तेरी वजह। वेटेड बर्गर ऑफ द डे, जिसका गुरी को बहुत देर से वेट था, अपने पास रख के बैठा था कि कोई और टेस्ट ना कर ले इसको। ये है कैफे ग्रिल्स का बर्गर है, बर्गर नंबर 5। मुझे इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। उम्मीद तो है, पहले देखते हैं खोल के। बहुत अच्छी है पैकिंग, बॉक्स में आई है इसकी। खुलेगा कहाँ से? यहाँ से, इधर से नहीं खोल कहीं। अब खुल नहीं रहा इससे, तो ऐसे ही एक्टिंग कर रहा है, तो मैंने ले लेना है, फिर देख कैसे मुंह में आएगा। अभी भी नहीं खोलेगा तेरे से बेचारे का झुम्बर बना। नहीं नहीं कितने के अच्छे बैल में एक ही है। चल इसको निकालते हैं बाहर। ऐसे लग रहा मिनी बर्गर मंगा लिया हमने। इसकी फीलिंग, इसमें फीलिंग अच्छी लग रही है ना। हाँ लग तो सही रही है, वेजेस भी डाल रखी हैं। टिक्की के नीचे नहीं है कुछ, टिक्की के नीचे नहीं है कुछ। ये और मेयोनीज है उधर से निकल, मेयोनीज है इसके नीचे। मेरी शेयर बेस्ती नहीं करानी। देखते हैं गौतम की एक्सपेक्टेशन कहाँ तक रंग लाती है। इसमें नहीं है, दूसरा वाला लो, वो रहा उधर, वो उधर छुपा रखा तूने। नीचे से निकल गया क्रीम। मुंह दिखाओ सबको, कैसा लगा? क्या अच्छा लगा? अच्छा, सबसे अच्छा। मेरी बारी, दे दे बस। तो कुछ नहीं, इतनी सारी बड़ी है कोई भी ले। चलो देख लो, सारे ऐसे देख लेंगे। मुझे तो अच्छा लगा, इसको शायद ही अच्छा लगा क्योंकि ये थोड़ा मतलब स्पाइसी में कम है बहुत ही। हाँ बाकी उन्होंने फीलिंग और टिक्की और बन सब कुछ सही है, लेकिन ये कम स्पाइसी है बहुत ज़्यादा। स्पाइसी हमने खा लिए सारे बर्गर, यम्मी यम्मी आ गया है मज़ा। मज़ा आ गया ना? हाँ तो इनको बता देते हैं भी, मतलब हमारे व्यूअर्स को भी, कौन सा बर्गर आपके लिए अच्छा है।
आपके लिए अच्छा नहीं, अच्छे से सारे ही थे, मतलब सब अपना बेस्ट देके ही बनाते हैं। यार तक कितनी बार समझा चुका हूँ मैं इनके प्रेफरेंस के हिसाब से कह रहा हूँ भी, अगर उनको स्पाइसी पसंद है तो जाना चाहिए उनको बोले श्री काना के भोले पे, है ना। हाँ श्री काना बोले अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आपको जाना चाहिए श्री काना वाले बर्गर की तरफ, क्योंकि वो हमें उसका थोड़ा बन हमें लगा था, बाकी बहुत बढ़िया था। वो बन लगा नहीं था, वो हमारी वजह से ही हुआ था, वो ठंडा सबसे पहले आ चुका था, वो नहीं हल्दी अटका है वो नंबर सेकंड नंबर। अगर आपको थोड़ा मतलब बिल्कुल स्पाइसी नहीं चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल बर्गर चाहिए तो गौतम साइड जाइए। पर वो इतना भी नहीं, बिल्कुल प्लेन भी नहीं है, वो अच्छा था, केचप लगा के तो बढ़िया लग रहा था पूरा। हाँ, इसको अच्छा लगा वो। और अगर आपको चाहिए मतलब पूरा जूसी बर्गर, हाँ जूसी और जिसमें एंड सारी स्टफिंग हो, तो आप जाइए फूड गैराज वाले बर्गर की तरफ। नहीं अच्छा था वैसे, वो हो उस डिलीवरी अलग और ये गलती हुई हो, मतलब हो सकता है थोड़ा सा लगाया नहीं उन्हें, धुप के सारा निकल गया। वो ना उन्होंने स्टफिंग अपने अकॉर्डिंग अच्छी लगाई थी, वो मुझे लग रहा है बन छोटा रह गया उसका। बन छोटा नहीं है, डिलीवरी अलग है, गलती हुई है। अच्छा और कौन से थे? हेल्दी अटका, हेल्दी अटका भी अच्छा था, पर वो अगर फ्रेश खाए मतलब वो भी हमारी वजह से ठंडा हुआ। अगर आप वहाँ जाए खाओगे ना, क्योंकि हेल्दी हट बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि हाँ। वो बहुत चीज़ें अच्छी सर्व करते हैं, हमने वहाँ वीडियो भी बनाई है पहले, क्योंकि हमें वहाँ के पिज्ज़ा और गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छे लगे थे, और बर्गर हमने पहली बार ट्राई किया था उसका तो वो भी सही लगा, पर वो वही थोड़ा सा हमारी वजह से ही हो गया, बाकी उन्होंने अपना बेस्ट दिया था। पर अगर वो ग्रिल होता ना पूरा क्रिस्पी होता, क्या मजा आता सो खाने का, करारा करारा सा लगता ना। और कौन सा रह गया? और कौन सा रह गया? शेफ का, शेफ का कैसा था? शेफ का कौन सा था? शेफ का जिसमें टिक्की बड़ी थी। हाँ टिक्की बड़ी थी, हाँ वो अच्छा था। हाँ उसको, वो अंजलि को बहुत पसंद आया। अंजलि कैमरा गर्ल, कैमरा के बिहाइंड द सीन्स पे उसने खाया सारा उसने तो टर्निंग कर दे। इसी के साथ आज की वीडियो होती है फिनिश, तो मिलते हैं अगले थर्सडे को एक नई वीडियो के साथ। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कंपैरिजन चाहिए या फिर हमारे वर्मा हाउस के किचन की वीडियो चाहिए, कि जो भी आप अगर कुछ रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फिर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन ऑन कर लेना। हाँ और कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगवा देना। कोरोना चल रहा है, हरियाणा में तो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो घर से बाहर मत जाना, घर पर बना बना के खाना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैंडेटरी नहीं है, मर्जी है आपकी, अगर आपको ठीक लगे नहीं कर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी तो है। फिर चैनल जरूर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।